लेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. गॉट इट माय पॉइंट? ये चौक है हैविंग मास, ये मेरा मास है, तो हम दोनों के बीच में क्या लग रहा है? थोड़ा जल्दी बताओ ना. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इनके पास मास, मेरे पास मास, इस डस्टर के पास मास, आपके पास मास, मतलब कि कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास हो, वो दो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेगी? तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि अट्रैक्शन कभी भी सिंगल बॉडी पे नहीं होती है. अट्रैक्शन होने के लिए लाजमी क्या है? दो बॉडी का होना जरूरी है. हाँ, ठीक है, यहाँ पे तो हमें अट्रैक्शन दो बॉडी के बीच में कह तो दिया, निकल तो निकल गए क्या करके. लेकिन रात में बच्चा सोचता है कहाँ अट्रैक्शन हो रहा भैया, नजर कहाँ होता होता है. आज हम नजर दिलवाते हैं. लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये बॉडी को हम नीचे की तरफ छोड़ा तो यहाँ तो अट्रैक्शन पता चल रहा है. हाँ या ना, बताओ ना. मेरी बात समझो, यहाँ पे अट्रैक्शन पता चला और यहाँ पे अट्रैक्शन पता नहीं चला, सारा बच्चा कंफ्यूज. ओह ये क्या हुआ? तो सर